तो और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है यार। अब आज के गेम प्ले बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि कदई एक्शन जैक्शन वाला गेम प्ले होने वाला है। भर भर के गेल्स है, भर भर के क्लचेस है और टीम के ऊपर टीम मारी है मैंने। तो बस तुम लोग ये गेम प्ले देखते रहना और मजे करना। वह हम लोग यहाँ पर उतरे थे, कहाँ पर? सिवर्नी में, क्योंकि भाई साहब आजकल सिवर्नी हॉट ड्रॉप बन जाता है कभी कभी जब प्लेन पाथ होता है, और इस बार भी प्लेन पाथ सिवर्नी के ऊपर से गया था। तो ऑफकोर्स यहाँ पर बहुत सारे बंदे उतरने थे, लेकिन अफसोस यहाँ पर सिर्फ 6 बंदे उतरे थे, जिसमें से 2 हम थे। अब इससे पहले कि वो 4 बंदे आपस में एक दूसरे को मार डाले, हमको कुछ करना था, लेकिन उससे पहले एक वेस्ट और हेलमेट ढूंढना था। अब यार वेस्ट हेलमेट मिली नहीं, लेकिन सामने हो गए दंगे। अब यार वहां तो लड़ने जाना था, वरना मेरे सारे किल चोरी हो जाते। ओ भाई, मतलब 2 किल तो यहाँ पर मैंने उठा लिए, और इसको भी मैंने भर ही दिया। कुल मिला के 4 बंदे जो थे, उसमें से एक ही बंदे का मेरा बस नुकसान हुआ। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रेड था। अब यहाँ पर सिवर्नी में कुछ था नहीं है, सिर्फ एक बॉट बच रहा था जिसको मारा हमने, और उसके बाद सीधे उठाई बाइक। लूटा भी ज्यादा नहीं, वेक्टर डीपी लेके मैं बढ़ चला आगे और सीधा आए कहाँ? रोजॉक, क्योंकि रोजॉक में हुआ था फायर। अब देखो यहाँ पर जैसे ही फायर हुआ, मैंने अपने सबसे पहले गाड़ी ठोकी, उतरा। यहाँ पर मैं सोच रहा था बूस्टर लगा लूं, लेकिन मेरे में कह रहा था नहीं, पहले बंदे मारो, बूस्टर बाद में लगाएंगे। तो मैंने कहा चलो अच्छा चलते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डायरेक्शन खो गया था कि वो कहाँ है। मेरे मैंने कहा सामने, अबे सामने किसके सामने? मेरे को कोई दिख नहीं रहा था, तो मैं वेट कर रहा था कुछ साउंड आउंड आए मेरे को, और तभी फायरिंग हुई भाई। सब कुछ क्लियर हो गया कि बंदे सारे के सारे स्क्वाड हाउस में। अब देखो यहाँ पर एक बॉट था, उसको मैंने मार दिया, लेकिन अंदर हुआ था कतई एक गंदा बवाल, और वो बवाल बहुत खतरनाक था। मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ। अंदर एक बंदा था जिसने घुस के सबको मार दिया। अब उसको हमें मारना था, लेकिन इससे पहले कि हम ऊपर जाते, वो नीचे कूद गया। अब यहां पर मैंने इसको तो मार दिया, लेकिन हमको एक और फुटस्टेप आया। ओए होए, ये तो भटूरा था, तो इसको हमने जैसे ही मारा, हमको फिर एक साउंड आया, और यहां पर एक और भटूरा आया, तो हमने इसको भी मार दिया। अब यहां करने के लिए कुछ था नहीं, तो हमने फिर उठाई बाइक और कहां गए? अपार्टमेंट, और हमको दिखी एक बगी। अब यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी ठोक दी, ये सोच के बगी रुकेगी। अरे रुक क्यों गए भाई? वो नहीं रुके, लेकिन वो रुके नहीं, वो पलटे। अरे वापस आ गए, बहादुर लौंडे थे। मेरे साइड। ओ भाई, मैंने जानते हो मैंने लेफ्ट राइट किया ही नहीं, मैं खड़ा हो गया। मुझे पता था वो वापस आएगा, और मेरा एम पहले ही हेड पे रखा हुआ था, और वो बंदा आराम से ही खत्म हो गया। वेल अब देखो यहाँ पर मैं अपने टीममेट को रिवाइव दे लिया, लेकिन तभी हमारे ऊपर हुआ अटैक, और वो भी हुआ डबल अटैक। तो यहाँ पर मैंने एक स्मोक डाल दिया, मैंने हीलिंग करी, लेकिन मेरे में की किस्मत खराब थी इधर। अब वो स्मोक के अंदर ही धर ले गया, और उसकी चीख खतरनाक। अरे क्यों भाग रहे हो, रश कर दो भाई। मेरी दोनों गन रीलोड नहीं है, और वो खिड़की मेरे को अंदर नहीं जाने दे रही है, और मेरा टीममेट कह रहा रश कर दो। तो मैंने कहा साला वो खिड़की अंदर जाने तो देगी नहीं, तो चलो रश ही करते हैं। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर वेक्टर ही रीलोड करी, क्योंकि वेक्टर में लगा था एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैग, वो जल्दी से रीलोड हो गया। इसके पीछे ही होगा, निकल गया होगा। एक को भर दिया, और दूसरा यहाँ पर हेल्थ लगा रहा था, इसका मेरे को साउंड आ गया। और भाई इसको भी यहाँ पर मैंने भर दिया, लेकिन सबसे पहले मेरे को ढूंढनी थी एक फर्स्ट एड, क्योंकि हालत बहुत लेट थी यहाँ पर। वेल तुम लोग सोचते होगे कि मेरे गेम में बंदे कपड़े क्यों नहीं पहनते यार, तो मैंने रिसोर्स पैक नहीं डाउनलोड कर रखे कोई भी, है ना। आज मैंने जो है उसमें पता नहीं कैसे कैसे करके जुगाड़ से सारे जो पैक्स थे वो डाउनलोड करे, तो मैं भी अब तुमको कपड़े पड़े दिखाई देंगे। वेल यहाँ पर एक बॉट आया, जिसको तो मैंने मार दिया, लेकिन तभी एक बगी आई यहाँ पर। अरे मोरे भाई ये स्कोप ग्लिच। सामने वाले के पास M249 थी, लेकिन तुम्हारे भाई ने भी दबा के डैमेज दे रखा था। वेल वो तो यहां से खिसक लिए, लेकिन तभी यहां पर एक और बगी आ गई। तो यहां पर मैं सीधा ऊपर छत पे भागा, क्योंकि भाई मैं अभी रेडी नहीं था लड़ने के लिए। अब भाई साहब ये बगी सीधा भाग गई उस डायरेक्शन में, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि
कि सब वहीं क्यों भाग रहे हैं बे, जोन तो यही है। फिर भी मैंने चेक करा, हाँ जोन के सेंटर में मैं था, तो ये पहली वाली बगी दूसरी बगी सब उधर कहाँ गई। वैसे यहाँ पर एक और बगी आ गई भाई साहब। ओ भाई, यहाँ पर मैंने दोनों को भर दिया, लेकिन तभी यहाँ पर फिर एक बगी आ गई। पता नहीं मैप पे देख पाया कि नहीं तुम, वहां पर तुमको एक वो ड्राइविंग वाला गाड़ी का जो सिंबल होता है ना वो आया था। यहाँ पर एक और बगी आई थी। अब ये बगी वाला जानते हो कौन था? ये वही बगी वाला था जो भागा था यहाँ, स्क्वाड बोल रहा है, ये अपार्टमेंट से ही जो भागा था ये वही था। ये अकेला यहाँ पर आया था। अब जानते हो मेरे को लग रहा था ये अकेला है, लेकिन असल में ये अकेला नहीं था, इसका टीममेट भी यहाँ छुप के बैठा हुआ था। आपको बाद में पता चलेगा, मेरे को भी बाद में ही पता चला था। वेल, ये बंदा छत पे आया, मैंने अपॉर्चुनिटी मिस करी, बट यहाँ पर मैं कुछ रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो मैंने एक नेट डाला ऐसे ही। मेरा टारगेट यहाँ पर उसे नेट से मारने का नहीं था, बल्कि नेट से उसे डराने का था कि वो नेट से डर के उठेगा और मैं उसे मार दूंगा। बट यार उसने बिल्कुल कोई हलचल ही नहीं करी, तो यहाँ पर मैंने एक और नेट डाला इस उम्मीद में कि शायद अब तो ये खड़ा होगा, लेकिन ये अब भी नहीं खड़ा हुआ। तो मैंने एक और नेट डाला, मैंने कहा मेरे पास भी बहुत टाइम है, तुम थोड़ा थोड़ा डैमेज खा के मर जाओगे। फाइनली वो उठा और मैंने उसको भर दिया। अब इसको मैंने जैसे ही फिनिश करा, यहाँ पर एक और बगी आई, बगी नहीं बॉट्स है सॉरी। तो यहाँ पर मैंने एक बॉट खत्म कर दिया और दूसरे बॉट ने मेरे को थोड़ा गंदा एक बुलेट मारी थी, लेकिन वो भी बॉट ही था, तो मैंने उसको भी आराम से फिनिश कर दिया। अब देखो उसके बाद मैं नीचे गया लूटने वगैरह, क्योंकि एमो खत्म हो गया था, लेकिन जब वापस आया तो मेरे को स्कूल की छत पे एक बंदा दिखाई दिया। मैंने सोचा आराम से रेलिंग पे चढ़ के प्रोनो के से मार दूंगा, बट उसने मेरे को पहले देख लिया था। नहीं नहीं पीक भी मत लो, पीक भी मत। अब यार वो लगातार मेरे ऊपर फायर दे रहा था और मेरा टीममेट मना कर रहा था कि पीक मत दो, और अच्छा हुआ मैंने पीक नहीं दी, क्योंकि एक के पास AWM भी थी। अब देखो यहाँ पर इससे मिस फायर हो गया और मेरे को पता चल गया यहाँ पर एक और बंदा है। यहाँ पर अभी मेरे को कंफर्म नहीं था, मैंने सोचा शायद एक बॉट है यहाँ पर, लेकिन तभी दो गाड़ियां आई। भाई ये वही स्कूल वाले थे, और जिस हिसाब से ये गाड़ियों में आए थे मैं समझ गया था ये रैंक पुशर्स है। अब देखो अब ये रैंक पुशर्स थे तो ये इतनी आसानी से पुश करने वाले थे नहीं, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने स्मोक्स फेंकने शुरू करे। मेरे को लगा ये मॉली बोल रहा, नेड है तो मैं ऊपर भग गया था, लेकिन ये स्मोक्स थे, तो मैंने भी एक नेड डाल दिया। भैया हम भी कॉन्करर कर चुके हैं स्क्वाड में करा, हाँ स्क्वाड में। वेल जो भी हो, एक भाई साहब नेड से फट गए। अब यहाँ पर प्रेशर बिल्ड हुआ। मैं असल में भूल गया था कि मैं किस फ्लोर पर नेड फेंक के आया था, तो मैंने इसी फ्लोर पर दो नेड डाल दिए। मुझे लग रहा था वो बंदा यही नॉक हुआ है, जबकि मैं गलत था। वेल मैंने दोनों नेट फूटने का इंतजार करा, नेट से मेरे को फायदा ये हुआ कि वो कनकस हो गए, वो मेरा सुन नहीं पाया साउंड, और मैं अंदर इतनी तेज गया कि उनके कानों कान खबर भी नहीं हुई कि कोई आके पीछे से उनको मार गया। और भाई AWM रिवॉर्ड, मजा ही आ गया यार इधर तो। वेल AWM मिल गई यहाँ पर, और तभी एक नेट फटा, फिर एक और नेट फटा। मैं समझ गया ये बॉट नहीं था साला, ये बंदा था। और भाई ये नेट फटने के बाद ये नेट गिरने की साउंड क्यों आती है? वेल जो भी है, यहाँ पर एक बगी आई, एक नॉक निकालो। अब मैंने एक नॉक तो निकाल दिया था और दूसरे वाले को चटकाया भी था, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि एक नेट डालता हूँ वो फट जाएंगे, बट मैंने नेट थोड़ा जल्दी डाला और वो नेट टकरा के और पीछे चला गया, जिसकी वजह से ये बच गए। इसका दूसरा बंदा प्रो था। अब देखो यहाँ रेड जोन था, तो मैं पीछे आया रेड जोन से बचने के लिए, और फिर मैंने सोचा कि चलो जाके लूट ही लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि भैया मेरा जो M4 में एमो था ना वो 100 के नीचे आ गया था। अब यहाँ पर जब मैं लूट रहा था, तभी मेरे को एक बंदे का साउंड आया, और यहाँ पर सबसे बड़ी टेंशन मेरे दिमाग में जानते हो क्या, वो बंदा नहीं, मेरे AWM पे सप्रेसर लगा था जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। अब मैं उसको हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, बंदा मेरे पर पुश कर रहा, लेकिन मैंने फिर भी हटाया सप्रेसर। इस भाई को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं नीचे वाले फ्लोर पे होऊंगा, उसको लग रहा था मैं छत पे होऊंगा, जबकि मैं था नीचे, और मैंने उसको आराम से खत्म कर दिया क्योंकि वो लूटने लग गया। वेल मैं रेड जोन से फिर बचने के लिए अंदर आया, और जब वापस छत पे आया तो उनका एक बंदा घर के अंदर पुश कर गया। अब वो मेरे को दिखा नहीं था, बट मैं साउंड और मैप पे जो डार्क फुटस्टेप आ रहा था उससे समझ गया था वो मेरी बिल्डिंग में आ चुका है, तो मैं इस जगह पर आया। अब देखो भाई, इसने मेरे को बहुत झिलाया और इसके बंदे ने बहुत झिलाया, तो इसलिए मैं यह कर रहा हूँ फास्ट फॉरवर्ड।
मैं नेट डाला, बहुत नेट डाला, बहुत साउंड भी दिया, सब कुछ करा, बट इसने मेरे ऊपर पुश नहीं करा। और इसका दूसरा बंदा भी पता नहीं क्यों इस बिल्डिंग में नहीं आ रहा था, वो उसी बिल्डिंग से कवर देने की कोशिश कर रहा था। मैं छत पे आया एंगल सोच के, तभी पहाड़ी पे फायर हुआ, तो मैं छत पे भी नहीं रुक पाया, तो मैं नीचे आ गया, यहीं उछलने कूदने लगा ये उम्मीद में कि ये ऊपर आएगा, मैं इसे कभी तो मारूंगा। बट ये नहीं आ रहा था यार ऊपर, और मैं यहाँ पूरी तरीके से पगला चुका था कि कब आओगे ऊपर मेरे भाई। फाइनली इंतजार थोड़ा सा खत्म हुआ, क्योंकि उसका एक जो बंदा था ना, वो फाइनली डिसाइड करा वो घर में आएगा मेरे, और ये उसकी गलती थी। अब मैंने इसको लिट तो बहुत कर दिया था, तो इसको भी घर में घुसना था और मेरे को भी, क्योंकि मेरे को पहाड़ी से पड़ रही थी। अब जानते हो जब मैं ऊपर चढ़ गया था ना एकदम ऊपर, तब मेरे को उसी पहाड़ी वाले बंदे ने मारा, मतलब मेरी तरफ फायर करा था, जिसने अभी मेरे को इतना डैमेज दिया था। वेल मैंने हेल्थ लगा ली, एक बंदे को फिनिश कर दिया। ये बंदा फिनिश नहीं होता, बट ये इतना लेट हो गया था ना, इसे डेस्परेट था कि किसी तरीके से अंदर चला जाइए। अब वेल जानते हो जब मैं छत पे था, तब मेरे ऊपर एक टेंशन थी यार कि मेरे को जोन में जाना था, और ये घर बहुत जरा सा जोन में था। अब मैं नीचे आ गया था तो मैं ज़्यादा सेफ था, क्योंकि ये बंदा फंस चुका था। अब इसे जोन में भी जाना था, बदला भी लेना था भाई का, और तुम्हारा भाई अलग ही लेवल पे है, तो इसने उसको मार दिया आराम से। अब यहाँ पर देखो, मेरे दिमाग में ये बात थी कि चार बंदे बच रहे हैं, तो सिर्फ दो ही अपोनेंट है मेरे, तो मेरे टीममेट ने करेक्ट किया, नहीं तीन बंदे बच रहे। अब प्रॉब्लम ये थी कि पहाड़ी वाला मेरे को बिल्कुल दिख नहीं रहा था कि वो कहाँ है। अब मेरे को जाना भी था जोन के अंदर, तभी मेरे को ध्यान में आया यार गाड़ी तो अपनी जेब में है, मतलब कि यार जो बंदों को सबसे पहले मारा था यहाँ पर उनकी गाड़ी है ना, तो उनकी गाड़ी लेके चलते हैं जोन में, क्योंकि बाकी सारी गाड़ी ऐसी लोकेशंस पे थी ना कि वो पहाड़ी वाला मेरे को मार देता उधर गाड़ी लेने जाता। तो अब पहले मेरे को लगा गाड़ी फंसी है, लेकिन लकली नहीं, गाड़ी निकल गई। अब मेरे को जाना था जोन में, मैंने जोन पे थोड़ा सा गौर करा, तो मेरे को लगा कि ये झोपड़ी है वो थोड़ा सा जोन में, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर थोड़ा सा चेक करते कोई एंगल अच्छा सा होल्ड कर सकूँ मैं। लेकिन यार जितना भी एंगल यहाँ बन रहा था सब एकदम बेकार था, मेरा मैं यहाँ से पीक भी नहीं ले पाता, तो मैंने वो झोपड़ी छोड़ दी। अब मेरा प्लान था इस पहाड़ी के ऊपर जो दो छोटी छोटी झोपड़ी पड़ती है वहाँ पर जाने का, लेकिन ये प्लान मेरा बीच में थोड़ा सा अटक सा गया, क्योंकि मैं चारों तरफ देखो देखता जा रहा था, और मेरे को एक पेड़ के पीछे बंदे दिख गए, तो मैंने गाड़ी यहीं रोक के प्रोन हो गया। और यही सबसे बड़ी गलती थी, तुम लोग कभी ये गलती मत करना, ये एक बहुत ही घटिया और बेकार पोजीशन थी। वेल मैंने एक बंदे को एक बॉडी शॉट तो मारा था, और दूसरा वाला भाग के चला गया पत्थर के पीछे। अब मैं और फंस गया था, क्योंकि दो अलग अलग एंगल बन रहे थे मेरे ऊपर, तो मैंने गाड़ी में स्मोक कर लिया कि मेरे को एक हार्ड कवर मिले, बट स्मोक के अंदर से उसने मेरे को एक हेडशॉट रख दिया और मेरी यहाँ पर भट गई। वेल मैं थोड़ा और पीछे आ गया, टायर के सामने था, और यहाँ पर मैंने हेल्थ लगाने लग गया, क्योंकि मेरे को पता था कि वो अगर पुश भी करेंगे ना तो आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर नीचे से आएगा तो बहुत स्टीप एंगल है, मैं उसे आराम से मार दूंगा, और अगर ऊपर से आएगा तो मेरे को जल्दी देख नहीं पाएगा, तो भी मेरे पास बेटर चांस है। तो उन्होंने पुश नहीं करा, ये एक मेरे लिए भी बेनिफिशियल बात थी। वेल यहाँ पर मैंने कुछ और स्मोक स्पैम करे, उन्होंने भी स्मोक डाले, तो मेरे दिमाग में बात आई कि उनके स्मोक का फायदा उठाता हूँ, क्यों ना अपने स्मोक और उनके स्मोक मिला के एक वॉल बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे को जोन में भी जाना पड़ सकता है। अब भाई साहब देखो, जोन मेरे से अभी फिलहाल तो ज़्यादा दूर नहीं था, 10-15 मीटर की ही दूरी पे था, तो मैं धीरे धीरे जोन में जाने लगा, क्योंकि स्मोक की बहुत बढ़िया वॉल बन गई थी। अब मैं अपनी गाड़ी भी निकाल सकता था, बट मैं उनको ये बिल्कुल भी क्लू नहीं देना चाहता था कि मैं वहाँ से हट चुका हूँ। अब देखो तुमको बता दूँ, यहाँ पर भैया होने वाला एकदम सरपट मछली वाला गेम, समझ रहे हो, तुम्हारा भाई अब एकदम, वो कहते ही नहीं एकदम सांप बना लेटर रहेगा यहाँ पर, क्योंकि भैया देखो ये सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी, मेरे को पूरे टाइम जोन में ही जाना था, और उनके पास हार्ड कवर थे यार, एक के पास पत्थर था, एक के पास पेड़ था, और एक बंदा, तो वो मुझे पता था कि ये वो बंदे नहीं है जिन्होंने मेरे को पहले फायर दिया था, मतलब जब मैं अपार्टमेंट में था, तो जिसने मेरे को फायर दिया था पहाड़ी से वो अपार्टमेंट की तरफ से आएगा, तो मेरे को ऑलमोस्ट तीनों की लोकेशन का हल्का फुल्का अंदाजा था, बट अगर वो पहाड़ी वाला रोटेट मार के थोड़ा ऊपर आ गया होगा ना तो मेरे को मार सकता था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कपड़े उतार लिए। अब प्रॉब्लम ये थी कि मेरे को पता नहीं था कि वो अभी भी पत्थर और पेड़ के पीछे हैं या फिर कहीं मूव कर चुके हैं, क्योंकि भाई जहाँ तक मुझे लग रहा था जोन मेरा साथ देने वाला था नहीं, और वही हुआ। यहाँ पर मैं सोच रहा था बैकपैक गिरा दूँ यार, लेकिन बैकपैक को मैनेज करना मेरे को बिल्कुल नहीं आता, मेरे को समझ में नहीं आता मैं क्या गिराऊँ। मैंने 5 का EMO गिरा दिया, लेकिन बैग गिरा नहीं तब भी, तो मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा पड़ा रहने दो ऐसे क्या करना यार, मेरी ये गमी है, मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता किसी चीज़ में, मैं थोड़ा गन के ऊपर ज़्यादा खेलता हूँ, मैं टिप्स एंड ट्रिक्स थोड़ी सी कम ही फॉलो करता, कपड़ा उतारना ज़्यादा आसान था तो उतार दिया। अब देखो जोन मेरे ऊपर बना नहीं हमेशा की तरह, तो मैं फिर से वही प्रोन जोन में जाने लगा। अब प्रॉब्लम ये थी कि मेरे सामने वाला पेड़ जोन में नहीं था, और उसके आगे वाला पेड़ भी जोन में नहीं था, लेकिन पत्थर जोन में था जिसपे एक बंदा था।
अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे को लग रहा था कि पेड़ वाला शायद हट गया हो, लेकिन पत्थर वाला अभी पत्थर के पीछे होगा क्योंकि वो एक हार्ड कवर है, कोई हार्ड कवर छोड़ के क्यों ही जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि मैं जोन में कैसे जाऊँ। अब मेरे पास एक स्मोक था, दो थे, तो मैंने एक पत्थर और पेड़ के बीच में स्मोक कर लिया ताकि इनको मिला के पूरा कवर बना लूँ, और तभी सामने दंगे हो गए। अब यहाँ पर तुम्हारे भाई ने किल चुरा ली और भाई स्वाद आ गया। अब उसके बाद मैं पत्थर पे सीधा पुश कर दिया भाई, क्योंकि देखो यार वो पत्थर मेरे को चाहिए ही चाहिए था। अब मैं पत्थर के पास जैसे ही आया मेरे को एक और बंदा स्पॉट हुआ। भाई हेडशॉट कैसे नहीं पड़े और सेंस ज्यादा लगी, फिर मेरे को समझ में आया कि मैंने 8x को 4.5x बना रखा था। वेल जो भी हो, यहां पर मैंने वापस 8x बना लिया और आखिरी बंदा पेड़ के पीछे था, मेरे को बिल्कुल नहीं पता था। और लकली मैं पूरी तरीके से बाहर नहीं था कवर से, वरना वो मेरे को मार देता। लेकिन उसने अपनी आखिरी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, क्योंकि इसके बाद मैं उसको कोई अपॉर्चुनिटी देने वाला था नहीं। मैंने एक मॉली करा, मेरा प्लान था उसके ऊपर खुला पुश करने का, तो मैंने एक स्मोक कर लिया उसका विजन ब्लॉक करने के लिए। अब मैं बस पुश करने ही वाला था स्मोक खुलते ही, लेकिन यार उसने फ्लैंक कर दिया। अब उसने फ्लैंक करा तो मैं भी ओपन में आया, बट वो वापस से कवर में चला गया मुझे देख के। अब यहां मैं फंस गया ओपन में, और उसने क्या करा, उसने पेड़ छोड़ के पत्थर का हार्ड कवर ले लिया। भाई पेड़ से बेटर होता है हर मामले में पत्थर, क्योंकि पत्थर में आप ज्यादा अलग अलग एंगल से और ज्यादा थोड़ा स्पेस भी आपको मिलती है। अब वो बंदा जानता था मैं हल्का फुल्का कहां हूं, डायरेक्शन उसे पता थी कि उसने मॉली एक डाली थी, बट मैं उतनी दूर गया नहीं था जितनी दूर वो सोच रहा था। अब मुझे उसका सर वगैरह दिख रहा था, बट मैं फायर नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे को पता था मेरे को अभी भी जोन में जाना है, और वो भी 29 मीटर जाना है, और उसके पास कवर है, और मेरे को पता था अगर मैंने यार ज़्यादा हलचल करी ना वो मेरे को स्पॉट कर लेगा। तो कुल मिला के यार मेरी फटी पड़ी थी। ये गेम 80% उसके हाथ में था, सही बताऊँ तो। अगर उसकी जगह मैं होता ना, तो ये जो भाई साहब घास में लौट रहे ना, ये इधर ही खत्म होते और यहीं पेटी बनती। अब यहाँ पर उसने ओवर पिक करा था, बट मैं पनिश नहीं कर पाया था, बट मेरी लोकेशन कॉम्प्रोमाइज हो गई थी, तो अब पुश करना ही करना था। तुम्हारे भाई ने पुश करा, खत्म करा, इजी चिकन डिनर।